नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल एलके स्टडी में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में योजनाएं जो चल रही है सरकार की, उनके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। योजनाएं किसमें? मरुस्थल में। मरुस्थल में जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो योजना है वो योजना है कौन सी, सूखा संभाव्य कार्यक्रम। सूखा संभाव्य कार्यक्रम ये किसकी ओर से चल रही है? ये चल रही है केंद्र सरकार की ओर से। किससे? केंद्र सरकार चला रही है इसकी। इसको कौन चला रही है? केंद्र सरकार चला रही है इसको। ठीक है, कौन सा? सूखा संभाव्य कार्यक्रम कौन चला रही है? केंद्र सरकार। कहाँ पे चला रही है? कहाँ पे चला रही है? मरुस्थल में चला रही है। ठीक है, अब देखो, केंद्र सरकार चला रही है, लेकिन इसमें राज्य का भी हिस्सा है और इसमें केंद्र का भी हिस्सा है। मतलब कुछ योगदान केंद्र का भी है और कुछ राज्य का भी है। ठीक है, तो राज्य का जो स्थान जो है वो हिस्सा है 25% और 75% तो इसमें पैसा कौन लगाएगी? 75% पैसा लगाएगी कौन? केंद्र सरकार। और 25% पैसा लगाएगी कौन? ये लगाएगी आपके राज्य सरकार। ठीक है, किसमें? सूखा संभावित कार्यक्रम में। ये स्टार्ट कब हुआ? स्टार्ट कब हुआ? ये जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था कब? 1974 से 1975, इस बीच में क्या हुआ, ये स्टार्ट हुआ। और जब स्टार्ट हुआ शुरू में, तब कितने जिले इसमें शामिल थे? तो इसमें केवल 8 ही जिलों में क्या चला था? ये 8 ही जिलों में चला था केवल। कितने जिलों में? प्रारंभ में तो ये 8 ही जिलों में चला था, लेकिन प्रेजेंट में जो है ये अभी लगभग 11 जिलों में, 11 जिले और कितने, 32 खंडों में ये क्या चल रहा है, 32 खंडों और 11 जिलों में क्या चल रहा है, ये सूखा संभावित कार्यक्रम अभी संचालित है केंद्र सरकार के द्वारा। स्टार्ट हुआ 74-75 में, 8 जिलों में चला, और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 11 जिले और 32 खंडों में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके किस लिए चलाया जा रहा है? तो इसको देखिए, सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए, और अर्थव्यवस्था कहाँ की? मरुस्थलीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या किया जा रहा है? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। राज्य का जो हिस्सा है इसमें 25% है, केंद्र सरकार का जो हिस्सा है इसमें 75% है। ठीक है, फिर मैं बात करूं तो इसमें कि कौन कौन से जिलों में चलाया जा रहा है, तो इसका 8 जिलों में प्रारंभ में चलाया गया, 74-75 में, 1974 1975 में। ठीक है, और 11 जिलों में वर्तमान में भी चल रहा है ये। और कितने टोटल, यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर टोटल 32 खंडों में चलाया जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया अपना सूखा संभाव्य कार्यक्रम। ठीक है, फिर मैं बात करूं एक और है, एक कार्यक्रम कौन सा है? एक तो होता है आपके कार्यक्रम, एक तो होता है आपके कार्यक्रम, और ये को होता है क्रिया, क्रियाक्रम, और ये को होता है क्रिया कर्म। समझ रहे हो? कार्यक्रम, कोई कार्य। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब नेक्स्ट जो योजना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी योजना चल रही है कौन सी? मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। ठीक है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, इसको भी कौन चला रहा है? इसको भी चला रही है केंद्र सरकार। कौन चला रही है? इसको भी केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें भी राज्य का हिस्सा कितना है? राज्य का जो हिस्सा है वो है कितना, 25%, और केंद्र का इसमें हिस्सा है कितना? केंद्र का हिस्सा है इसमें 75%। वही सेम पिछले वाला सूखा संभावित क्षेत्र के कार्यक्रम की तरह, पर इसमें क्या है, इस जो चलाया गया, ये चलाया गया 1977 से 1978 के बीच में, ये क्या चलाया गया? ठीक है, 77 से 78 चलाया गया, वो चलाया गया था
सुकसंभावी कार्यक्रम चलाया गया था कब, 1974 से 75 के बीच में, ये चलाया गया 77 से 78 के बीच में, ठीक है। शुरुआत कब हुई, शुरू में इसमें कितने जिले आते थे, इसमें आते 11 जिले, अब आते हैं कितने, 16 जिले, और कितने, 95 खंड इसमें क्या है, इसमें शामिल है। अब इसमें 16 जिले और 95 खंडों में क्या हो रहा है, ये मरु विकास कार्यक्रम संचालित हो रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आराम से आप इसमें क्या करोगे, रटने वाली चीज़ें इनमें समझने की कोई बात नहीं है। 75-25, 1977-78, शुरू, 11 जिला, 16 जिला, 95 खंड, बस ये बातें हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मरुस्थल के क्या है, प्रसार को रोकना है, प्रसार को रोकना है, किससे रोकोगे, नहरों का क्या करना है, विकास करके, नहरों का विकास करके मरुस्थल का जो आगे बढ़ रहा है उस प्रोसेस को रोकना है, ठीक है। और उस प्रोसेस को रोक के क्या करना है, हमें नहरें लाना है यहाँ पर और सिंचित भूमि करना है, ताकि जो मरुस्थल है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाए, आपके आपके उपजाऊ भूमि में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर मरुस्थली विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, एक योजना और है, वो है किसकी, राज्य की, किसकी योजना है वो राज्य की है, कौन सी योजना है, देखो ये योजना है समन्वित भूमि व्यर्थ भूमि, समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम, ठीक है। समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम, व्यर्थ भूमि मतलब जो बेकार बंजर भूमि पड़ी है उसके लिए चल रहा है कौन सा, समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम, ठीक है। अब मैं बात करूँ कौन चला रहा है इसको, राज्य सरकार, कौन चला रही है, राज्य सरकार चला रही है। कब चलाया गया इसको, 1992 से 1993 के बीच में, ठीक है। कितने जिलों में, शुरू में 10 जिलों में चला रहा था, शुरू में तो कितने में सरकार चला रही थी, 10 जिलों में, अब चलाया जा रहा है कितने, 18 जिलों में, 18 जिलों में अब क्या किया जा रहा है, इसको चलाया जा रहा है, 18 जिलों में इसको चलाया जा रहा है, और 10 जिलों में क्या किया जा रहा है इसको, प्रथम शुरू में जब शुरुआत हुई थी 1992-93 में, तब 10 जिलों में ही चलाया जा रहा था। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सिंपल सा है, बंजर भूमि को क्या करना है, बंजर भूमि को खत्म करना, मतलब समर्पित कर देना उसको, क्या कर देना, खत्म कर देना, और वहां पर क्या कर देना, उपजाऊ क्षेत्र बना देना, ठीक है। ये क्या थी, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योजनाएं थी, इनके बारे में हमने क्या कर ली, चर्चा कर ली। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपको आएगा तो वो आएगा कौन सा, आपका अरावली, अरावली के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।